प्रभु इस कड़े के वचन को आशीष दे। हमारी स्टडी इब्रानी की किताब में चल रही है और आज उसका चौथा भाग हम लोग देखने जा रहे हैं, हिब्रूस पार्ट फोर। हिब्रूस ये एक गहरी किताब है जो उनके लिए भी, या उनके नाम लिखे हैं जो वचन में निपुण थे, जिनको वचन अच्छी तरीके से मालूम थी। बाइबल में कभी भी हम जो किताबें पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये किताब किसको एड्रेस किया गया है, किसके नाम ये किताब लिखा गया है। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो देखिए, रोमियो की किताब उसके पहले अध्याय में आप उसके पहले पन्ने पे पढ़ सकते हैं, रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस का पत्र। किसके नाम? रोमियो के। रोमियो के नाम मतलब ये रोम करास के कलीसिया को लिखा गया। इसमें कोई शक नहीं कि आज वो हमारे लिए फायदेमंद है, कोई शक नहीं। परंतु उसमें कहीं एक बात जो हमारे लिए नहीं होगी, उस समय के लोगों के लिए वो दर्शाया गया। लेकिन अगर हम उस पर गौर करेंगे तो हमारे लिए वो लाभदायक होगा। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें थोड़ी लिखा गया, उनके लिए लिखा गया, ऐसा भी नहीं सोचना है। और कभी कभार ऐसा भी नहीं लेना है कि उस समय की समस्याओं को एड्रेस किया गया और हम उसको नकारते हैं। तो यहां लिखा है रोमियो के नाम प्रेरित पौलुस का पत्री। ऐसा ही आप सब बाइबल की किताब पढ़ सकते हैं। हर एक किताब के आगे आप खोल के पढ़िए, देखो आपको मिलेगा ये इनके नाम लिखा गया है, ये कलोशियों की कलीसिया को लिखा गया। तो जब एक कलीसिया को लिखा जाता है तो उस कलीसिया की परिस्थिति जो होती है, वहां की जो जरूरतें होती है, उसको हाईलाइट किया जाता है। जब हम इब्रानी की किताब में आते हैं तो हमें ये बात को जानना जरूरी है कि इब्रानी लोग जो है वो बहुत ही वचन की जानकारी रखते थे। इसीलिए उनके साथ में जब पौलुस बात करता है तो बड़ी गहरी बात करता है। जैसे आप पहली कुरिन्थियों की किताब खोल दें, अगर आप उसके छह अध्याय में आ जाएंगे तो पॉल कहता है तुम्हारे आपस के झगड़े हैं, लिटिगेशन, आपस में एक में के ऊपर दावा किए हैं। जब सात में आ जाता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, हाँ, कि आपस में आप मुकदमा करते हो। ये कुरिन्थियों की कलीसिया है, आपस में तुम कामाकू, आपस में एक में के साथ में लड़ाई। फिर जब वो सात अध्याय में आता है तो वो कहता है कि शादीशुदा लोग कैसे रहना चाहिए। फिर वो जब सात के दस में आता है, जिनका विवाह हो गया है, अभी वो विवाह हो गया उनके बारे में, फिर जिनका विवाह नहीं हुआ उनके बारे में, जिनका विवाह होने वाला है उनके बारे में, अभी इसमें जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके बारे में जब लिखा है, तो मेरा तो विवाह हो गया है, अब मैं कौन सा वचन को ले लूं? जिनका विवाह हुआ है उनके बारे में क्या लिखा है, वो मैं लेना चाहिए। अब जिनके विवाह नहीं हुआ है उनके बारे में लिखा है कि अगर कोई अपने बेटी को शादी होने से रोकता है, वो बाप को बाइबल बोलता है, वो अच्छा करता है, क्योंकि वो आने वाले दुख से उसको बचाता है, और जो शादी करके देता है वो भी अच्छा ही करता है। ये उनके लिए लिखा है। फिर अब आगे जाएंगे 17 वचन के अंदर, हमें परमेश्वर की बुलाहट में बना रहना है। फिर आप जाएंगे 8 अध्याय के अंदर तो कहता है कि हमारी लिबर्टी को गलत इस्तेमाल नहीं करना, मतलब अगर कोई नहीं खाता हो तो उसको फसला के मत खिलाना, झूठ बोल के मत खिलाना। लिबर्टी, हर एक आदमी को अपनी आजादी है। अगर कोई आदमी मेरे घर आए और कहे भाई मैं चिकन नहीं खाता, प्रेज लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है,
उसको जबरदस्ती मत करो खाने के लिए। शी इज़ लिबर्टी, जिसको जैसा है। अपने चर्च में बहुत लोग हैं, हमने पिछले हफ्ते में नॉनवेज नाश्ता खिलाया था चर्च में, तो एक सिस्टर मेरे सामने आ गई, सब खा रहे थे। मैंने उसको पूछ लिया, सिस्टर आप किए नाश्ता? बोले नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाती। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बैठिए यहाँ पर, उनको चाय दे दो। मैंने बोला अब यही ट्रेन का इंतजाम तो हमने किए नहीं थे, अब उसको नहीं खाते तो उसको क्या जबरदस्ती थोड़ी खिलाना है। हम बोलते हैं ऐसे, कुछ लोग खाते हैं नहीं खाते हैं, इसको बोलते हैं लिबर्टी को गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये बातें पौलुस क्यों सिखा रहा है? क्योंकि कुरिंथियों की चर्च जो है वो अन्य जाति चर्च है, और बस वो लोग विश्वास में आए ही थे, और यहाँ मूर्त की उपासना के बारे में भी सिखाता है कि मूर्त नाम दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है नहीं, मूर्तों के सामने रखी हुई चीज खाना नहीं। अब ये मूर्त को उपासना करने वाले अन्य जाति लोग हैं। फिर आप उसके नव वचन जान जाएंगे, वो अपने सेवकाई का अधिकार बताता है। अगर आप उसका 10वां अध्याय में आएंगे तो जो आदमी अपने लिमिटेशन को पार करता है उसके बारे में बात करता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि जिस किताब इब्रानी को हम देख रहे हैं वो बिल्कुल एक विशेष किताब है, और आप जान सकते हैं कि अभी हम लोग सिर्फ 7 या 8 वचन पढ़ रहे हैं, हम लोग 4वें हफ्ते में आ गए इब्रानी देख रहे हैं। इतनी गहरी बातें जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, पिछले हफ्ते में मैंने आपको बताया था 1:3 में प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये उस अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है जो अपने वचन के सामर्थ्य से और हम सबके पाप के लिए वो खुद कुर्बान हो गया और महान महिमामय के दाहिने ओर जाकर वो बैठ गया। तो यहां पर बाइबल हमें यह बता रहा है कि किस तरीके से प्रभु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे लिए खून बहाया, और वो जाकर अपने पिता के दाहिने बैठा ताकि हमारे लिए आगे को प्रायश्चित करता रहे। आज प्रभु यीशु मसीह कहां हैं? अगर आप बाइबल के खोज में, तो बाइबल बताती है वो आपके और मेरे लिए महायाजक का काम कर रहा है। जब वो ये धरती में था तो मेरे लिए वो परमेश्वर का मेमने का काम किया, लेकिन अब वो काम हो गया उसका। अब उसने सलीब पर चढ़ा, खून बहाया, जो काम के लिए वो आया था वो काम कर दिया। अभी वो परमेश्वर का मेमना नहीं है, वो मरकर 3रे दिन मुर्दों में से जी उठ गया। जब वो जी उठ गया तो वो हमारे लिए महायाजक बन जाता है, क्योंकि अभी वो हमारे लिए जाके प्रायश्चित करने को खड़ा हो गया। सो अभी आपके और मेरे लिए वो विनती कर रहा है। वो बाइबल कहती है पिता के दाहिने ओर बैठा है, इसका मतलब वो हमारे और आपके लिए अभी भी मध्यस्थ कर रहा है, इसके लिए वो दाहिने ओर बैठा हुआ है। जब मध्यस्थ का काम खत्म हो जाएगा तो वो सिंहासन पर बैठ जाएगा, जिस सिंहासन से वो निकलकर मेमना बन के आया, अब वो आपस वो अपने सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन ये सिंहासन पर बैठने के पहले एक और काम उसको करना है। जब वो दाहिने बाजू में खड़े रहकर आपके लिए विनती कर रहा है, तो आपको लेने के लिए जब वो आने वाला है ये धरती पर, तो वो दुल्हा बन के आने वाला है। क्या बन के आएगा? और आपको ले जाएगा। आप कौन है? उसकी दुल्हन है। तो अभी एक रोल उसका बाकी है, वो दूल्हा बनकर आने वाला है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। और हम क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय पढ़िए, उसका 7वां वचन में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ सॉरी, आओ हम आनंदित और मगन हो जी, और उसकी स्तुति करें। हम उसकी स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखो अभी बाइबल आपको क्या बोलती है? दुल्हन कहती है, उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, आओ हम मेमने के ब्याह को जाएंगे। ये एक काम अभी बाकी है। वो कब करेगा? जब वो मध्य आकाश में आएगा, अपने दुल्हन को उठा के ले जाएगा, और उसके साथ में वो 7 वर्ष बादलों पर रहने वाले हैं। कितना? 7 साल। सो ये जो टाइम है कलीसिया का उठा लिया जाना, चर्च जब दुल्हन जो बनती है,
जब ये ऊपर चली जाएगी तो ये जो समय है ये 7 साल का समय है, और 7 साल के बाद दुल्हन वापस धरती में आती है। कहाँ आती है? प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय के अंदर वो नीचे आ रही है, लेकिन वो यहां पर ऊपर जा रही है। जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के अंदर वो ऊपर जाती है। ये जो समय है ये ब्याह का समय है, और ये टाइम पे हम लोग कहां रहेंगे? पहले तिसलोनी की किताब उसकी 4 अध्याय और उसका 16 से पढ़ेंगे 18 तक। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखो, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तो इसको हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेता हूं ताकि स्टोरी जो है वो पूरा समझ में आ जाए। परमेश्वर जो वचन था वर्ड, वो देहधारी होकर आया, यानी मांस लेकर आया। यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हो गया, फ्लेश में आ गया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सो ये जो टाइम है उसका वचन देहधारी होकर आना, 33.5 साल वो धरती में काम किया, उसके बाद वो क्रूस पर चढ़ा। अब यहां पर वो क्या काम कर रहा है? मेमने का काम कर रहा है। वचन देवदारी होकर आया, अभी वो मेमना बनकर क्रूस पर चढ़ रहा है। कैसे? यूहन्ना की 1 अध्याय उसका 29वां वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, हाँ, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वो क्या कर रहा है? यहां से जगत का पाप उठा के क्रूस पे जा रहा है। अब क्रूस में जाने के बाद उसने अपना लहू बहाया और उसे कब्र में रख दिया गया। तीसरा दिन मुर्दों में से वो जी उठा, 3rd day। और ये तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन वो धरती में रहा लोगों के साथ जी उठने के बाद। उसके बाद वो स्वर्गवास सबके देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। अभी वो यहां पर दाहिने और खड़ा हुआ है, आपके और हमारे लिए प्रायश्चित कर रहा है जो सिंहासन के सामने। अब ये जो काल अवधि है ये 2000 साल का टाइम है। अब ये समय के बाद जब वो मध्यस्थ का काम खत्म होगा, वो फिर से नीचे आने वाला है उसकी दुल्हन को लेने के लिए। तो जो दुल्हन का यहां उद्धार हुआ मेमने के लहू से दुली, वो कलीसिया काल में चल रही है। इसको बोलते हैं 7 चर्च 8 इफिसियस पर्गमुस स्मरना अथवा तेरा पिला डल पे अलौदी किया, ये 7 कलीसिया काल में चल रहे हैं। अभी हम लोग जो बैठे हैं आखिरी कलीसिया में बैठे हैं, जिसको हम लोग लौदीसिया काल कहते हैं। ये टाइम पे प्रभु इस दाहिने बाजू से निकल कर नीचे आएगा और हमें वो लेकर फिर से ऊपर चले जाएगा। अब ये इसको बोलते हैं रैप्चर, कलीसिया का रैप्चर होगा। लेकिन दुनिया चलती रहेगी, दुनिया। तो यहां पर होगा 3रा विश्व युद्ध, 3rd World War। लेकिन 3rd World War होने के दरमियान दुल्हन चली जाएगी ऊपर। इसीलिए इसराइल में जो हो रहा है, ये हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है, वर्ल्ड वॉर होगा, ये होगा, घबराना मत, आप जाने वाले लोग हैं, उससे पहले आप उठा लिए जाएंगे। सो प्रभु आपको उठा ले जाकर क्या करता है? ये 7 साल का जो समय है ये आप उसके साथ में बादलों पर रहने वाले हैं। अभी आप पढ़िए 18वां वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 4:18। उठा लिए जाने के बाद क्या होता है? इस प्रकार, हाँ, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हाँ, इसी तरह हम हवा में प्रभु के साथ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस रीति से
हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये जो टाइम है उठा लिए जाने का, ये है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, आओ आनंदित हो, मेमने का ब्याह पहुंचा है। अब ये ब्याह के अंदर हम लोग 7 साल प्रभु के साथ में रहेंगे। ये 7 साल धरती में महासंकट काल होगा। क्या होगा? महासंकट काल। ये 7 साल को 3 हिस्से में बांटा गया है, 2 हिस्से में बांटा गया है, 3.5 साल और 3.5 साल। ये 3.5 साल के दरमियान ये 2 नबी इसराइल में आएंगे प्रचार करने के लिए, ये यहूदियों को प्रचार करने आएंगे और इनका कत्ल होगा और फिर ये उठा लिए जाएंगे आसमान पर सबके देखते देखते। 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रहेगी चौराहे पर। अब ये जाकर मिल जाएंगे जो मेमने के ब्याह में पहले पहुंचे हैं, उनके साथ जाके मिल जाएंगे। अब फिर ये चलते चलते शादी खत्म होगी। शादी होने के बाद में एक धमाका होता है पृथ्वी के ऊपर, और ये धमाका जो हो रहा है ये पृथ्वी की धुलाई हो रही है एक वर्ल्ड वॉर के हिसाब से। और ये दुल्हन प्रभु को दुनाकर अपने दुल्हन को जो उठा के ले गया था नीचे लेके आएगा इधर राज्य करने के लिए। वो टाइम पे 1000 साल प्रभु ये पृथ्वी में राज्य करेगा। कौन? जो लोग यहाँ रैप्चर में गए कलीसिया, ये लोग प्रभु के साथ राज्य करेंगे। बाहर दुनिया चलती रहेगी, बाहर भी लोग होते रहेंगे, ये लोग राजा से मिलने आएंगे, भेंट लेके आएंगे, चंगाई पाएंगे, यहाँ से पत्ते खाकर चंगाई पाएंगे, जीवन की नदी बह रही है वहाँ, 12 महीना फल लगी हुई है। तो इसके अंदर से आकर वो जाया करेंगे, आना जाना होता रहेगा। ये टाइम पे बाइबल बोलता है इसाया 11वां टाइम अध्याय के अंदर, भेड़ शेर के बच्चे के साथ में दोनों घास चरेंगे ना, वो ये टाइम है। जैसे नोहा के बोट में शेर बकरी सब साथ में बैठे थे, वैसे ये टाइम है सब लोग साथ में बैठने वाले हैं। इसके बाद थोड़े टाइम के लिए शैतान खोला जाएगा, जो गड्ढे में बंद किया गया था 1000 साल शैतान को अंदर डालकर ताला लगा दिया गया। प्रगटीकरण 20वां अध्याय पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ, जिसके हाथ में 18 कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। जी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है, हाँ, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए, 1000 वर्ष के लिए डाल दिया गया। तो शैतान 1000 वर्ष के लिए किधर गया? अभी खड्डे में गया। प्रेज द लॉर्ड। ये वो टाइम होगा जब पृथ्वी में शांति रहेगी, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई बियर बार नहीं, कोई डांस बार नहीं, कोई मटका सटका कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका चलाने वाला किधर है? अभी बॉस नीचे गया है अभी अंदर। तो जो झगड़े लगाने वाला, लफड़े लगाने वाला, जाति पर जाति चढ़ाई करने वाला, ये सब काम खत्म। 1000 साल जब प्रभु ये धरती में रहेगा, शांति ही शांति रहेगी, तभी सारी दुनिया को मालूम पड़ेगा यही असली शांति का राजा है। अभी हम लोग वोट दे के चुन चुन के ला रहे हैं, चुन चुन के ला रहे हैं, सोचते कि ये भला करेगा, ये भला करेगा, वो जातिवाद ये कर रहा है, लड़ाई लगा रहा है आपस में एक मेक को मारने के लिए, है नहीं? अभी एक नया वीडियो आया हमारे पीएम साहब का, बहुत अच्छा वीडियो आया, उसने यूएन में बात किया, हम सब लोग एक फैमिली बनना चाहिए। क्या बनेगा ना? एक फैमिली। और इधर इलेक्शन का भाषण क्या देते हैं? उधर एक फैमिली की बात कर रहा है, इधर क्या कर रहे हो? इधर तो भड़कम भड़की चालू है, जातियों पर जाति, लोगों के ऊपर विवाद। पर ये सब चीज नहीं रहेगा जब यीशु मसीह धरती पर राज्य करेगा। हालेलुया। प्रभु बताएगा कि वाक्य में राज्य होता क्या है। उस समय पृथ्वी के सारे राजा लोग आकर उसको प्रणाम करेंगे, सब उसको नमन करेंगे। उसके बाद शैतान थोड़े टाइम के लिए खोला जाता है, वापस पृथ्वी पे आता है, और ये टाइम पे वो एक बड़ा गड़बड़ी करता है। फिर से वो क्या करता है? ये जो दुनिया के लोग हैं, दुल्हन को कुछ नहीं करेगा वो, क्योंकि दुल्हन यीशु के साथ महल में बैठी है। वो किसको भड़काएगा? जो बाहर है उनको भड़काएगा,
ये वो टाइम है जहां बाइबल पैसेट अजाया में लिखा है, आदमी अपना घर बनाएगा और लंबी उम्र होकर मरेगा, वो खुद अपने घर में रहेगा, उसने जो पेड़ लगाया उसका फल वो खुद खाएगा। ये वो टाइम की बात बाइबल करती है, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा नहीं है। अभी आदमी फ्लैट खरीदता है, मर जाता है हार्ट अटैक से, दूसरे खाते उसको। पर वो टाइम कैसा होगा, जो आदमी अपना कष्ट किया उसका पूरा फल वो खुद अनुभव करेगा, क्योंकि राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये 1000 साल पृथ्वी में राज्य रहेगा, इसका सबूत क्या है? बहुत बढ़िया सबूत प्रभु ने ऑलरेडी, सोलोमन राजा जब ये धरती में राज्य करता था, 40 साल उसने राज्य किया, सोलोमन के राज्य में प्रभु अपना मंदिर को बना रहा था, भवन को यरूशलेम में बना रहा था। और जब प्रभु का भवन बन रहा था, 40 साल पृथ्वी में क्या रही? किधर भी युद्ध नहीं, कहीं भी लड़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु का भवन बन रहा है यरूशलेम में। आज जो भवन के लिए लड़ाई हो रही है ना, ये भवन वापस बनने वाला है, और ये टाइम पे प्रभु स्वयं आएगा। इसके लिए आज इतनी सारी दुनिया इसराइल के विरुद्ध में खड़ा है, लेकिन इसराइल को कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि अभी इसराइल का प्रभु ने टाइम दे दिया है। इसके लिए इसराइल पीछे नहीं हट रही है। वो बोले जमीन हमारा है, खुदा ने हमें दिया है, हम बांधेंगे मंदिर, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो 40 साल तक पृथ्वी में शांति रही, एक भी लड़ाई नहीं, एक भी। क्यों? प्रभु का भवन बन रहा है। तो जब ये टाइम, ये पृथ्वी में कहीं भी लड़ाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु राज्य कर रहा है। सुलेमान का क्या बोलते यीशु मसीह खुद कैसे बोला मालूम है? यहां वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए शीबा की रानी 3 महीने जंगल में जोखिम में डालकर उसकी ज्ञान सुनने को गई, और यहां सुलेमान से बड़ा खड़ा हुआ है, इधर कोई भी नहीं आ रहा है सुनने के लिए। ये वो टाइम होगा जब सुलेमान का तरह ये पृथ्वी में राज्य में वैसे यीशु का राज्य रहेगा। थोड़े टाइम के लिए शैतान खोला जाएगा, और ये टाइम पे एक तबाही आएगी, और ये लड़ाई इंसान का और फरिश्तों का बीच में होगा। ये तीसरा विश्व युद्ध इंसान और इंसान के बीच में होगा, लेकिन ये लड़ाई फरिश्तों का और इंसान का। उस टाइम पे शैतान को बांध कर हमेशा के लिए अग्नि में डाल दिया जाएगा, और उसके लोगों को जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं मिला। यह है प्रकटीकरण 20:12 के बाद पढ़ सकते हैं। फिर 21 में जाएंगे तो क्या दिखता है? नया यरूशलेम, नया आकाश ऊपर से आ रहा है। बोलो हालेलुया। बहुत आसान है, इसको लोगों ने इतना उलट पुलट करके रख दिया। बोले अगर इधर जाना है तो मेरे चर्च में आना पड़ेगा, तभी तुम इधर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है बाइबल के अंदर। तुमको वचन में आना है, वचन का अनुकरण करना है, वचन जो बोलेगा उसका पालन करना है, तुम ये सब चीज का अधिकारी होगे। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, नहीं हमारा पास्टर ने ये बोला, हमारा पास्टर ने वो बोला, वो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है। लोग इंसानों के पीछे जा रहे हैं, वचन के पीछे नहीं जा रहे। जो कि ये बातें मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं खुद आपको बोलूंगा मेरे पीछे मत चलो, मेरा कहना मत मानो, मैं जो बोल रहा हूं उस वचन को पकड़ो। मुझे देखोगे ठोकर लगेगा, क्योंकि मैं इंसान हूं, लेकिन जो वचन मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ो, कभी ठोकर नहीं लगेगा, क्योंकि वचन खुदा का है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं भी नहीं बोलता हूं कि मेरे प्रेयर में आएगा, मेरे चर्च में आएगा तो ही रैप्चर, कभी नहीं बोलूंगा मैं। वचन में आओगे, सच्चाई को आओगे, अंतिम दिनों के संदेश में आओगे तो तुम्हारे लिए रैप्चर श्योर है। हालेलुया। सो ये बातें हमने देखा कि यीशु मसीह की महत्वपूर्ण बातें। सो जीसस इज गॉड। यहां पर बाइबल में हमको ये बात बताया जा रहा था, 30:1-3 में यीशु मसीह को क्या लिखा है? पुत्र करके लिखा है। और 7 में क्या लिखा है? हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे। 2 के अंदर यीशु मसीह को पुत्र से खुदा बना दिया। तो ही इज गॉड, ही इज फुल्ली मैन, ही इज फुल्ली गॉड हु अपहोल्ड्स द यूनिवर्स, बट द यूनिवर्स विद ऑल ऑफ इट्स गैलेक्सीज
and all of its stars and planets and constellations, and all things that we can see now, the greatest telescope, he upholds it all. आज आदमी को दूरबीन लगा के देखना पड़ता है कि ऐसे भी तारांगण है जहां तक आदमी पहुंच नहीं पाया, लेकिन बाइबल बोलता है यीशु मसीह उसके ऊपर भी राज्य कर रहा है, पूरा तैनात उसके हाथ में है। सो वो कोई मामूली बात नहीं, और अपने वचन की सामर्थ्य से वो सब चीज को समा के रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने एक वचन कह दिया, ये दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन आपको मालूम है दुनिया तबाह क्यों नहीं हो रही है? प्रभु के चुने हुए लोग अभी भी ये धरती में बैठे हुए हैं। मैं कभी कभी कभार कहा था, एक दिन एक प्लेन गिर गया, 300 लोग मारे गए उसमें। कितने लोग? 300 लोग। तो मैं दावा करता हूं उस प्लेन में एक भी प्रभु का चुना हुआ बैठा होता तो 300 लोग बच जाते। वो एक आदमी के लिए प्रभु 300 की जान बचाया। आप मेरी बात समझते हैं? तो आज ये दुनिया चल रही है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम्हारा स्वाद अभी ये पृथ्वी को मिल रहा है। कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी बातों की तलाश में हैं। वक्त तो आप भी अभी घर में बैठ के सास बहू की सीरियल देख सकते थे, लेकिन आप परमेश्वर का वचन सुनने को चले आ गए। आपके अंदर एक भूख है खुदा खुदा का वचन से मिलने का। वो भूख जो है वो आपके अच्छा और भला काम को दिखाता है। और मेरे पास भी बहुत काम है, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं आज यहाँ खड़ा रहकर आपको परमेश्वर के वचन में से लेके खिला रहा हूं। बल्कि इससे भी बेहतर काम, इससे पैसे कमाने का तरीका और मेरे पास बहुत कुछ है जाके मैं कर सकता था, लेकिन वो सब त्याग कर मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग के बीच में आके खड़ा हूं। इन भले लोगों के वजह से ये थोड़ा बहुत चल रहा है, वरना ये इसका टाइम जो है खत्म हो गया था। 24 साल हम लोग आगे आ गए, कितना 2024 साल हुए ना, 2000 में खत्म होना चाहिए था, हम 24 साल आगे आ गए। हो सकता है कि ये मेरा उद्धार के लिए प्रभु ने इतना लेट किया होगा, ऐसा सोच सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी सोच सकते, और कुछ लोग बपतिस्मा के लिए बाकी है, वो लोग ले लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना अंतिम दिनों के समय में आ चुके हैं। सो आज जो बातें हम लोग देखने जा रहे हैं वो 8 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हाँ, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे, तेरे राज्य का राज्य दंड न्याय का राज्य दंड है। राज्य दंड के बारे में बाइबल बात करती है, तेरा न्याय का राजदंड। तूने तो आज हम लोग 1-2 वचन का इसमें खुलासा करेंगे। एक है तेरा न्याय और तेरा राजदंड, ये हमेशा का है। तेरा सिंहासन हमेशा के लिए होगा, तो इस बातों के ऊपर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे वचन के अंदर। बाइबल कहते हैं फिर वही बात, भजन संहिता 45 अध्याय और उसका 6 वचन। तो हमने पिछले हफ्ते ये बात को पढ़ा था, दाऊद राजा इस इब्रानी के पहले अध्याय के अंदर जितनी बातें पौलुस के द्वारा बताया गया है ये सब दाऊद के द्वारा कहा गया है। सो दाऊद राजा भी एक भविष्यद्वक्ता था, और वो आने वाली बातों को पहले ही आत्मा में होकर भविष्यवाणी किया है उसने। अभी आपको अगर एक बात मैं बताऊं, वो है भजन संहिता 22वां अध्याय के अंदर, और यहां पर दाऊद क्या गीत गा रहा है, भजन संहिता 22 अध्याय। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये गीत दाऊद आत्मा में होकर गा रहा है। किसके विषय में गा रहा है? ये शब्द किसने बोला था? जब यीशु मसीह क्रूस पे था तब उसने यही भजन गाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी जो भी बोला है अपने जीवन में सेवकाई के दरमियान, वो सब वचन को ही बोला है उसने।
वो इधर उधर की बातें कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो वचन को पूरा करने के लिए आया था। तो ये भजन किसका है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, ये दाऊद राजा ने आत्मा में होकर कहा। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह, मान लो यीशु मसीह क्रूस पर ये बातों को कह रहा है, तो यीशु मसीह के पीछे आप अगर जाओगे तो आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन यीशु मसीह के 1000 साल पहले दाऊद राजा ये भजन गाया जो यीशु मसीह क्रूस पे बोल रहा था, ईसा के क्रूस पर चढ़ने के 1000 साल पहले। और दाऊद ये सब बातों को देख रहा था। देखिए आगे वो क्या कहता है, तू मेरा पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? अरे 16-17, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। Praise the Lord। अब डेविड कभी ऐसा मार खाया हुआ हालात के अंदर लोगों उसकी फसली देख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में डेविड कभी नहीं था, लेकिन ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मेरी हड्डियां, मतलब यीशु मसीह की छल बिछल जब हुई थी, उसकी फसली में भाला फेंक के मार दिया गया था, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसको क्रूस में नग्न अवस्था में लटकाया गया था, उसकी फसली फसली दिखाई दे रही थी, यही वो बोल रहा है कि लोग मेरी फसली को गिन रहे, देख सकते हैं, वो लोग मुझे निहार रहे हैं, सर हिला रहे हैं। आगे वो कहता है 18 में, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं, हाँ, और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। कभी डेविड का कपड़ा बांट के लिया लोगों ने चिट्ठी डाल के लिया? ये प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर था उसका कपड़ा निकाल कर लोग चिट्ठी डाल के बांट रहे थे, और डेविड सब आत्मा में देख रहा है यीशु के साथ क्या क्या हो रहा है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि डेविड 1000 साल पहले यीशु मसीह के क्रूस की सारी कहानी को किस तरीके से उसने वर्णन कर दिया। और प्रभु बोल रहा है, अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि सिपाही लोगों ने यीशु का जब कपड़े को उतारे, तू ले मैले, बाद में बोले नहीं, हम लोग चिट्ठी डालेंगे और जिसका नाम आएगा लेंगे, वरना वो लोग उसको फाड़ के एक एक टुकड़ा लेने वाले थे। यीशु मसीह जो कपड़ा पहना था बड़ी महंगा कपड़ा था, वो एक साथ बुना हुआ कपड़ा था, सिला हुआ कपड़ा नहीं था। और आप सब जानते हैं यीशु मसीह से लोग कितने प्यार करते थे, उसको अच्छा से अच्छा भेंट दिए होंगे। तो सिपाहियों ने देखा कि अरे ये फाड़ेंगे और बांटेंगे तो क्या फायदा होगा, तो हम चिट्ठी डाल के जिसके नाम चिट्ठी निकला वो पूरा अखा कपड़ा ले लेंगे। और अगर इतिहास आप पढ़ोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, द रोब करके एक पिक्चर है, अगर आपको मिल गया इंटरनेट में तो आप देख लेना, द रोब बहुत बढ़िया है। ये उस सिपाही के बारे में जिसके नाम चिट्ठी निकला और वो कपड़ा वो लिया, जब वो कपड़ा लेकर वो डाला अपने बदन में, प्रभु का आत्मा उसे पकड़ लिया और वो बंदा जाके यीशु के बारे में प्रचार करने लगा। वो गया, उसके घर में कुछ बीमार लोग थे, उसने वो कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया, वो बीमार अच्छा होके खड़ा हो गया। तो ये चमत्कार होने लगा कपड़े में से, तो खुद ही परेशान हो गया, बोले ये क्या जादू का, उसके घर में लाइन लगने लगे, तो लोग परेशान हो गए। रोमी सिपाही था वो, बोलने लगे यार तू किसका कपड़ा लेके, जिसको तूने क्रूस पे मारा उसका कपड़ा, मतलब मैं क्या, चिट्ठी मिला मेरे को, अभी उसको राजा बुलाया, तेरे को सिपाही वो कपड़ा छोड़, या तो फिर सिपाही बोले मैं सिपाही पर छोड़ता हूं लेकिन कपड़े नहीं छोड़ूंगा, ये कपड़ा ने मेरे जीवन को बदल दिया है। ये दो द रोब पिक्चर के अंदर आप ये पूरा देख सकते कि वो कपड़ा कितना आगे चमत्कार कर रहा था। ये सब बाइबल में नहीं लिखी है, लेकिन इतिहास इन बात का गवाह है कि ऐसे ऐसे चमत्कार उन दिनों के अंदर हुई थी। एक और बड़ा चमत्कार, जो बराबर छोर
प्रभु यीशु के साथ में क्रूस पर दाएं बाएं जो चोट थे उसमें से एक जो उस दिन छोड़ा गया था जिसका नाम था बरब्बा, पिलातुस ने बोला तुम किसे छोड़ो, बोले हमें बरब्बा चोर को छोड़ दो। ये चोर जब अपने जेल में से बाहर निकला तो जाके पूछा भाई मेरे को जामीन किसने दिया, आज तो मेरी मौत है ना, मुझे क्रूस पर मारने वाले थे, मुझे छुड़ाया किसने। तो सिपाही ने उसको दूर से दिखाया वो जो क्रूस पर लटका हुआ है ना बीच वाला क्रूस, वो तेरा क्रूस था, वो उसने ले लिया। तो फिर बरब्बा चोर घर को नहीं गया, वो गोलगोता के पास गया जिधर यीशु मसीह को लटका हुआ, और यीशु मसीह के क्रूस के पास जाकर वो प्रभु से पूछता है मैं तो गुनेगार हूं, मेरे बदले में तू क्यों मरा, तेरा और मेरा क्या नाता है, क्या रिश्ता है, तूने मुझे क्यों छुड़ाया। यीशु ने प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा करिए जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। उस दिन उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और बरब्बा चोर बिलीवर बन गया, क्या बन गया, विश्वासी बन गया। वो बोले आज जिसने मेरे लिए जीवन दिया इसके आगे मेरा जीवन मैं उसके लिए दे रहा हूं, और वो प्रभु की सेवा करने लगा। मतलब ये सब बातें लिखी नहीं गई है बाइबल में, लेकिन इतिहास में लिखी गई है कि ऐसी ऐसी घटनाएं उन दिनों के अंदर हुई थी। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, बाइबल कहता है तेरा सिंहासन और तेरा राजदंड। अभी आप देखेंगे बाइबल एक राजदंड की बात करती है, एक राजा की बात करती है जिसके हाथ में राजदंड होगा। अभी राजदंड होता क्या है, आपके बाइबल में लिखा है राजदंड जो है जैसे ये चित्र में मैंने आपको दिखाया, राजा के हाथ में एक चाहे वो सोने का हो या पीतल का हो या चांदी का हो एक ऐसी छोटी सी लकड़ी होती है जिसमें सिंहासन के मापित, और राजा उसको हमेशा जब भी सिंहासन पे आएगा उसको रा के पकड़ के रखेगा, और समझो किसी को उसकी मर्जी को जानना है तो वो उसको आगे बढ़ाएगा, मांग तुझे क्या चाहिए, जो इसको छुएगा मैं आधा राज्य भी देने के लिए तैयार हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो इस तरीके से वो राजदंड का इस्तेमाल होता है, एक आदमी को लेके आए मौत की सजा दिलाने के लिए, और उसने अपना कानून व्यवस्था के अंदर ये बात बताया मुझे माफ कर दो सर मैं गलती नहीं करूंगा, मैं बहुत पछताया, और राजा ने उस पर दया कर दी तो अपना राजदंड को बढ़ाएगा, बोला तू रिहाई हो गया जा घर पे। ये राजदंड में इतना पावर है, इतना सामर्थ्य है कि आपको जेल में भी डाल देगा, आपको छुटकारा भी देके बाहर निकाल देगा। तो ये राजदंड धर्म का राजदंड होगा। आज भी बहुत लोग बैठे राज्य करते हैं लेकिन ये धर्म का राज्य नहीं हो, धार्मिकता का राज्य नहीं है, ये पक्षपात का राज्य है। लेकिन यीशु मसीह का राज्य में कोई पक्षपात नहीं होगा, सबके लिए न्याय बराबर होगा, यही बाइबल कहती है। पढ़िए उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय और उसका 10 वचन, ये राजदंड कहां से निकलने वाला है। हाँ, जब तक शिलो न आए हाँ तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। हाँ, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जी, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। जी, उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीली और उसके दांत दूध के दूध से श्वेत होंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि अब्राहम है, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। सो अब्राहम, इसहाक, याकूब, याकूब के 12 बेटे थे। सो याकूब का 12 बेटे जो है वो इज़राइल बन गए। तो प्रभु ने उस रात याकूब से मुलाकात करी और पूछा तेरा नाम क्या है, बोले याकूब। प्रभु ने बोला आज से तेरा नाम इज़राइल होगा, यहां से इज़राइल राष्ट्र नाम पड़ती है। हालेलुया। ये लोग बोलते, ईरान बोलता है हम इज़राइल को मिटा देंगे, कैसे मिटाएंगे भाई, वो याकूब का बच्चा है।
और प्रभु ने उसको देश दिया है, हम नामो निशान निकाल देंगे, कुछ नहीं कर सकते थे। इज़राइल का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे, क्योंकि बाइबल उसकी वंशावली बताती है। अभी इसी इब्राहिम से एक और वंशावली निकलती है, इस्माइल की वंशावली, और इस इस्माइल की वंशावली से इस्लाम निकलता है। अब इस्लाम जो है बिल्कुल इज़राइल से अलग हो चुका है, और प्रभु ने इस्लाम को इसके साथ हकदार नहीं बनाया, और प्रभु ने इसको अलग निकालकर, इसके 12 बच्चे थे, बोलो हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, मैंने इसके पहले भी बार कह दिया था कि इज़राइल के साथ क्या हो रहा है, दुनिया के साथ क्या हो रहा है, ये सब यूट्यूब में बोलने वाले, इनको कुछ नहीं मालूम है, जीरो नॉलेज है उनको, क्या हो रहा है अभी इसका नॉलेज केवल बाइबल पढ़ने वाले को मालूम है, वो ही बता सकता है कि रियल न्यूज क्या है, बोलो हालेलुया। बाकी लोग खाली नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए यूट्यूब में, अभी बम्बार आ गया, इज़राइल खत्म हो गया, 200 मिसाइल दाग दिए ईरान ने, इज़राइल मिट गया, ये सब डालते खाली ऊपर, अंदर खोल के देखेगा तो कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। रियल न्यूज जो है बाइबल आपको बताएगी। इसमें से प्रभु ने एक गोत्र को चुन के लिया, उसका नाम था जूडा, यहूदा, और यहूदा गोत्र को प्रभु आशीष देता है कि तेरे गोत्र से राजदंड निकलने वाला है, जो राजदंड, राजा का दंडा पकड़ के आने वाला कौन है, यहूदा गोत्र से निकल के आने वाला, और यहूदा गोत्र से कौन आया, प्रभु यीशु मसीह। पढ़िए प्रकटीकरण का 5वां अध्याय का 5वचन में, जहां मेमना आ रहा है उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, हाँ देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह है, यहूदा के गोत्र का वह सिंह है, प्रेज़ द लॉर्ड, कहां का सिंह है वो, यहूदा के गोत्र का सिंह है, ये है यहूदा, इन 12 जगह से। अब ये यहूदा जो है, जहां से जीविश माना जाता है, अब इसराइल है, इसमें दो पंथ बट गए, और ये सुलेमान राजा के टाइम पे बट गए, एक इसराइली यानी दो गोत्र एक बाजू चले गए, 10 गोत्र एक बाजू चले गए, ये 10 गोत्र जो है पृथ्वी में भटक गई, इसका पूरा पूरा ठिकाना अभी तक मिला नहीं है, लेकिन दो गोत्र वो जेरूशलेम में बसे हुए हैं, वो मिल गए, ये 10 गोत्र जो है अभी धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं इज़राइल में, कुछ लोग इंडिया में हैं, कुछ लोग यूरोप कंट्रीज के अंदर हैं, कुछ लोग अमेरिका में, ये सब लोग इज़राइल जा रहे हैं, ये 10 गोत्र जो भटक गई थी ये लोग वापस इज़राइल जा रहे हैं। सो यहूदा गोत्र में से जो राजा आएगा उसके हाथ में राजदंड होगा, और वो न्याय के साथ ये पृथ्वी पर राज्य करेगा। आगे बाइबल कहती है, पढ़िए नंबर्स, गणना, गिनती 24 अध्याय उसका 17 वचन। गिनती 24:17, मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होकर नहीं। हाँ, याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा, प्रेज द लॉर्ड। अब ये वो टाइम है जब इज़राइल के ऊपर श्राप करने के लिए बालाक राजा ने बालाम नबी को भेजा था, और वो श्राप देने के लिए अपना मुंह खोल दिया, उसका श्राप प्रभु ने आशीष में बदल दिया, और कहा कि याकूब के अंदर से एक तारा उदय होगा। फिर बात वही आई, याकूब, याकूब के द्वारा यहूदा, यहूदा में से राजदंड आने वाला है, एक तारा उदय होगा, और वहां पर वो बोलता है बालाम नबी, और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को छूट कर देगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये मोआब की सीमा जो है, आप इज़राइल के आजू बाजू में ढूंढ के देखिए, सब मिलेंगे आपके जरिए,
एक राजदंड उठने वाला है और ये सबको चकनाचूर कर देगा। अब यहां पर बाइबल हमें कहती है मैं उसे देखूंगा पर अभी नहीं, वो अपने टाइम की बात कर रहा है, अभी नहीं पर वो आने वाला है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है, यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, कौन से गोत्र में से वो आने वाला है। याद रखिए ये दुनिया में एक ही मिसाल है, एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में 5000 साल से गवाही दिया जा रहा है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, बोर का तारा आने वाला है, यहूदा गोत्र से एक राजदंड आने वाला है, शारोन का गुलाब आने वाला है, एक चट्टान को मैं लाने वाला हूं। यीशु के बारे में गवाही 5000 साल से चली आ रही है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है। उत्पत्ति 3:15 जब बाइबल पृथ्वी की शुरुआत और पहली परिवार की बात करती है वहां यीशु मसीह का जिक्र आ जाता है कि स्त्री का पुत्र आएगा और सर्प के पुत्र का सर को कुचल डालेगा। तो ये स्त्री का बेटा जो आने वाला है वो प्रभु यीशु मसीह है। सो उत्पत्ति में ही उसका जिक्र हो गया, पहला परिवार का अंदर ही उसका जिक्र हो गया। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि किस तरीके से खुदावन ने अपने नाम की महिमा पूरी बाइबल को लेकर चले आती है। आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। सो इस राजदंड के बारे में मीका की किताब 7:14 पढ़ लीजिए। तू लाठी लिए हुए अपनी प्रजा की चरवाई कर, हाँ, अर्थात अपने निज भाग की भेड़ बकरिया की जो कर्मेल के वन में अलग बैठती है, हाँ, वे पूर्व काल के समान भाषा और विलास में चरा करे। तू अपने हाथ में राजदंड लेकर उनको चरा जो बाशान में बैठी है, किसी से मिलती नहीं है, वो अपना ही एक अलग अंदाज रखती है। इज़राइल, बोलो हालेलुया। प्रभु आने वाला है इज़राइल के साथ में मिलकर राज्य करने के लिए, इज़राइल का सर को ऊपर करने के लिए प्रभु यीशु स्वयं आने वाला है। प्रभु उनको कभी नहीं त्यागेगा, उनके लिए प्रभु ने एक विशेष वायदा रखा हुआ है। ये तो प्रभु की रहम हम पर हुई कि अनुग्रह के अंदर हम बचाए गए, लेकिन यहूदी लोग इसका हकदार थे, इसीलिए वो इतनी धैर्य से हिम्मत से जवाब देते हैं क्योंकि उनके पास बाइबल का पूरा पूरा वचन है। सो हम लोग आगे जाएंगे, यूहन्ना की किताब 18 उसका 33 में जब प्रभु यीशु मसीह धरती में आके खड़ा हुआ और उसके ऊपर आरोप लगाया गया और राजा पिलातुस के सामने उसको खड़ा कर दिया और यहूदियों ने बोला कि ये हमारे विधियों को तोड़ दिया है, इसको सजा होनी चाहिए, किसको ले जाके खड़ा किए? प्रभु यीशु मसीह को। और अभी पिलातुस यीशु का परीक्षण कर रहा है कि क्या गलती पाई, क्यों तुम लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? उन्होंने कहा इसके भले कामों के लिए नहीं, पर ये इंसान होकर अपने आप को खुदा दर्शाता है, इसलिए इसको हम लोग क्रूस पर मारना चाहते हैं। तो पिलातुस कहता है तुम्हारे पास व्यवस्था है ना, तुम अपनी व्यवस्था के हिसाब से न्याय करो। तो यहूदी कहते हैं हमारे पास में न्याय जरूर है, लेकिन हम किसी को मौत के घाट में नहीं उतार सकते, हम सिर्फ उसके ऊपर आरोप लगा सकते। उसको मौत का घाट उतारना वह आपके हाथ में है, इसीलिए हमने उसको आपके पास लाए। अभी पिलातुस यीशु मसीह की परीक्षण कर सके, कैसे परीक्षा कर रहा है, पढ़िए उसका 33 18 का। हाँ, तो पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया क्या तू यह बात
अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे ये कहा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। देखो जो राजदंड निकलने वाला है, यहूदा गोत्र से आने वाला है, उसका न्याय सच्चा न्याय होगा। अब यही व्यक्ति आगे खड़ा है, अब इसके ऊपर परीक्षण हो रहा है कि ये राजा है या नहीं। और पिलातुस पूछता है तो राजा है? यीशु कहता है ये तो अपनी ओर से पूछ रहा है, क्या किसी और के लिए पूछ रहा है? हम लोग भी बोलते ब्रदर उसने पूछा था मेरे को, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली उसका मतलब इसको जानना है, लेकिन नाम उसका ले लेते। तो पिलातुस को यीशु पूछता है तुझे जानना है क्या मैं राजा हूं या नहीं करके? क्या कोई और लोग मेरे ऊपर आरोप लगाया और तू उसको देखना चाहते कि मैंने सच बोला है कि नहीं कर? अभी ये वो जगह आ गई जो बाइबल की सारी भविष्य दुआनी यहां पूरी होने वाली। वो अभी अपने मुंह से बोलना है मैं राजा हूं बोलना है उसको। ये जब बोलेगा तब वो यहूदा गोत्र का सिंह बनेगा, ये बोलेगा तब वो सबूत देगा कि वो राजदंड, वो तारा जो याकूब से निकलने वाला है वो मैं ही हूं करके यह साबित हो जाएगा। और प्रभु ने कितनी बढ़िया तरीके से साबित किया। क्या जवाब दिया यीशु ने 34 में? यीशु ने उत्तर दिया हाँ, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है हाँ, या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे कहा ये कहा है? क्या तू अपनी ओर से, तुझे जानना है कि मैं यीशु हूं या किसी और को दिखाना है कि मैं यीशु हूं, मैं राजा हूं? अब यीशु मसीह उसको जवाब देता है। पिलातुस ने उत्तर दिया क्या हाँ, मैं यहूदी हूं हाँ, तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने मुझे मेरे हाथ सौंपा है, वो तूने क्या किया है? अपने दिल की खराई से बोल दिया आप राजा है या नहीं, मैं क्यों परवा, मैं थोड़ी यहूदी हूं, मैं पराधीन हूं, क्योंकि मेरे शास्त्र में नहीं लिखा है कोई राजा आने वाला है, इसके लिए मुझे क्या है? उसने साफ साफ बोल दिया मैं यहूदी नहीं हूं। यहूदी लोग आपको बोल रहे कि ये राजा कहला रहा है अपने आप, और मेरे हाथों में उन्होंने लाके सौंपा है आपका न्याय करने के लिए, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या आप राजा हैं? अब देखिए बात बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये इंटरेस्टिंग बात आपके सर से निकल ना जाए। तब आगे बात क्या हो रही है? यीशु कहता है, यीशु ने उत्तर दिया मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। प्रभु साफ बोल रहा है पिलातुस तू जो गद्दी में बैठा है, तू जो राजा बन के बैठा है, ये राज्य तू संभाल रहा है, ये मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य आने वाला है। अगर ये मेरा राज्य होता तो मेरे चेले लड़ते, पर अभी मेरे चेले से भाग गए। ये मेरा राज्य मतलब ये पिलातुस को डर क्या हो गया, उसकी कुर्सी न चले जाए। प्रभु ने बोला मैं ये कुर्सी लेने के लिए नहीं आया, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं। तो ये राज्य को प्रभु ने उधर साफ साफ इनकार कर दिया, ये राज्य मेरा नहीं है। बोलो हालेलुया, उसका राज्य आने वाला है। तब पिलातुस कहते हैं 37 में, पिलातुस ने उससे कहा तो क्या तू राजा है? अभी पिलातुस को डाउट हो गया, ये कह दिया ना कि ये राज्य मेरा नहीं है, तो फिर वो उसको पूछा फिर तेरा राज्य है किधर, कौन सा राज्य की तू बात कर रहा है? तब यीशु उसको जवाब दे रहा है, यीशु ने उत्तर दिया हाँ, तू कहता है कि मैं राजा हूं, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जोरदार तालियां। मैं पैदा ही इसलिए हुआ कि राजा बनकर धरती में राजा, मेरा जन्म का मकसद ही ये है। प्रेज द लॉर्ड, दुनिया माने ना माने, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में राज्य कर रहा है, वो आ गया हमारे अंदर। 2000 साल पहले वो कलीसिया में उतर कर अपना राज्य को शुरू कर दिया, अभी ये गुप्त में चल रहा है, लेकिन विजिबली
प्रभु स्वयं बादलों पर आएगा राज्य करने के लिए, लेकिन आज वो किधर राज कर रहा है? विश्वासियों के मनों में आ चुका है वो, पर वो कह रहा है कि अब मेरा राज्य नहीं, पर मैं पैदा ही इसीलिए हुआ। जो कोई सत्य का वह मेरा, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हाँ, मेरी बात सब लोग नहीं मानेंगे, सब नहीं समझेंगे, मेरी बात वे समझेंगे जो सत्य के हैं, जो सत्य की खोज में हैं, जो सत्य के लोग हैं, वो मेरी बात को मानेंगे। बोलो हालेलुया। इसीलिए जो सत्य से रिश्ता नहीं रखते वो कभी भी यहां वचन सुनने को नहीं आएंगे। प्रभु बोलते हैं मेरा वचन वो ही सुनेंगे जो सत्य है और जो सत्य को चाहते हैं। हालेलुया। अब पिलातुस उसको पूछता है, पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? तेरे सामने मैं सत्य की गवाही देने आया, जो सत्य के लोग है वे ही मेरी गवाही को सुनेंगे। तो पिलातुस को जानने की इच्छा हुई भाई सत्य क्या है, मैं सत्य की गवाही देने आया। यीशु खामोश खड़ा रहा, देखो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। पढ़िए पूरा। यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। जब ये पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है, तो यीशु मसीह उसको देख रहा था, वो यीशु को देख रहा था, नजर ही काफी। पिलातुस कुर्सी छोड़ के भाग गया बाहर, इसका चेहरा मैं नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। बाहर जाने के बाद में वो जो लोग बैठे थे उनको सबको यहूदियों को बोलता मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। मतलब आप यकीन करो, रोम साम्राज्य उस दिन का सुप्रीम कोर्ट था और सबसे बड़ा न्यायाधीश पिलातुस है, और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इस बात का ऐलान करा यीशु में कोई दोष नहीं है। वो अपना सिंहासन छोड़ के बाहर आ गया, बोला कि मैं कुछ दोष नहीं पाता उसको, ले जाओ। बोले ने उसे क्रूस पर मार। फिर पिलातुस सोचा कि यीशु को कैसे भी बचाएंगे अपन। उसने बोला देखो मैं तुम्हारे लिए एक अपराधी को छोड़ना चाहता हूं। तो उसने बरअब्बा को बुलाया और यीशु भी एक बाजू खड़ा है। बोले बरअब्बा को छोड़ू या यीशु को छोड़ू? तो पिलातुस ये सोचा था बरअब्बा क्या किया, खून खराबा क्या, लूट मार क्या, इसको कौन मांगेगा? यीशु को सब मांगेंगे, क्योंकि यीशु ने अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, 5,000 लोग मच्छी रोटी खाए, इसलिए लोग यीशु को मांगेंगे। और पिलातुस को चंबा हुआ कि लोग बोल रहे हैं चोर दे दे हमें, इसको क्रूस पे मार। और बाइबल में लिखा है उनको पैसे देकर उसकाया गया था कि तुम ये कहना, उसे क्रूस पर मार बोलने के लिए उनको पैसे दिए गए थे। और यही आज की भी दशा है, लोग सच्चाई को कभी नहीं मोल के लेंगे, बरअब्बा चोर को लेंगे, सच्चाई नहीं चाहिए उनको जो यीशु सत्य की गवाही देने के लिए आया। अभी देखिए यहूदियों के हाथ में उसे दे दिया गया, 19वां अध्याय में आ जाएंगे, 19 वचन पे उसको क्रूस पर मारने का टाइम आ गया। अब पिलातुस अपने हाथों से एक आज्ञा देता है उनको, एक पट्टी देता है उनको, क्या देता है? पिलातुस ने एक दोष पत्र लिख कर हाँ क्रूस पर लगा दिया। हाँ, और उसमें यह लिखा हुआ था यीशु नासरी हाँ यहूदियों का राजा। हालेलुया। यहूदा गोत्र से कौन निकलने वाला है? राजदंड निकलने वाला है, और एक तारा उदय होने वाला है, उसके हाथ में राजदंड होगा और न्याय से राज्य करेगा। लेकिन ये पिलातुस के सामने अपराधी होकर खड़ा हुआ है। यहूदियों ने उसको क्रूस पर मारने का ऐलान कर दिया, वो क्रूस पर मारा गया। अभी यीशु मसीह क्रूस पर है, पिलातुस ने एक पट्टी लिख के दिया
वो क्रूस के ऊपर लगाने के लिए क्या पट्टी लिख के दिया? यहूदियों का राजा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 20 वचन में यहूदी लोग वापस आए पिलातुस के पास, बोले ये पट्टी निकाल दे, वो यहूदियों का राजा नहीं है। वो कह रहा था कि मैं यहूदियों का राजा है, ऐसा लिख। मतलब यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो क्रूस पर चढ़ाया, अगर ये यहूदियों का राजा करके पट्टी लिख दी तो फिर हम लोग राजा को क्रूस पर चढ़ाया, ऐसा हो गया। तो ये पट्टी ऐसा मत लिख। ये कह रहा था, मतलब यीशु कह रहा था, मैं यहूदियों का राजा हूं, ऐसा लिख, ताकि हम लोग दोषी नहीं ठहरे। पिलातुस ने क्या बोला? उत्तर पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। कदम हालेलुया, मैंने जो लिख दिया। अब आप सोचिए, प्रभु यीशु मसीह जो कहता है मेरा वचन, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी न टलेगी। पिलातुस का इतना हिम्मत, मैंने लिख दिया, अभी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये पिलातुस के अंदर से कौन बात कर रहा है? प्रभु बात कर रहा है। अरे वो पैदा ही राजा हुआ था, वो इसीलिए धरती में आया था। उसको तुम कितना भी नाकारो, वो आखिर वो राजा का स्थान पे ही आएगा। और पट्टी में लिख दिया गया। इधर बहुत खूबी है, ये पट्टी जब लिखी गई थी, पढ़िए कैसे लिखी गई थी 20 वचन में। हाँ। यह दोष पत्र हाँ। बहुत से यहूदियों ने पढ़ा हाँ। क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था हाँ। नगर के पास था हाँ। और पत्र इब्रानी लतीनी हाँ। यूनानी में लिखा हुआ था। ये दोष पत्र ही 3 भाषा में लिख के दिया उसने। कितनी भाषा में? सो ये 3 भाषा जो है, इब्री भाषा में उसने इसलिए लिखा ये राजा है यहूदियों का, क्योंकि उन दिनों में इब्रानी लोग रहते थे वहां, जो हिब्रू बोलते थे, शास्त्री, परुषी, महायाजक, ये सब इब्रानी बोलते थे। लतीन भाषा जो है, ये वहां के लोकल लोग बात करते थे, सामान्य लोग, जैसे बाजार में वगैरह जो है, जैसे अभी उल्लासनगर में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग सिंधियों का दुकान है, और अगर मैं जाऊं कुछ खरीदने के लिए तो मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन कोई सिंधी जाएगा तो कौन सी भाषा में बोलेगा? सिंधी को देखा ताबर तो उसका बात चालू हो जाता है, एक मल्लू को देखा ताबर तो उसकी बात चालू हो जाती है। मतलब ये लोग अपने अपने भाषा को कभी भूलते नहीं। आप मेरे साथ हैं? अपनी जाति भाई को। सो लतीन जो भाषा थी उस समय के लोकल भाषा थी, जो आम जनता करती थी। और ग्रीक भाषा जो है, ये रोमियो का भाषा था, जो पिलातुस का जो मूल भाषा था वो रोमियो का भाषा था। तो ये पट्टी 3 भाषा में लिखने का ये मतलब है कि हर जाति हर भाषा इसको पढ़े और समझ जाए। आज दुनिया में सबसे अधिक भाषा में लिखी हुई किताब बाइबल है। इसका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ा। सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। मतलब आप अंदाज नहीं लगा सकते कि कोई लेखक का किताब इतनी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कुरान को ले लेंगे तो वो सिर्फ अरबी में लिखा गया है। अभी दूसरी भाषा में आपको अवेलेबल होता है, लेकिन ओरिजिनल उसकी लैंग्वेज अरबी, दूसरा भाषा में वो मिक्स करेंगे नहीं। आप पूरी दुनिया में किधर भी चले जाओ, उसका अजान का दब टाइम होगा, अल्लाहु अकबर, पूरी दुनिया में एक ही आवाज सुनोगे। हमारा क्रिश्चियन लोग का ऐसा नहीं, हम लोग का अलग अलग आवाज है, सब हर पास्टर का अलग आवाज है।
हर पास्टर का अलग शिक्षण है, उनका एक ही शिक्षण होगा, एक ही बात बोलेंगे। सो बाइबल तीन भाषा में लिखी गई। अभी देखिए, एक आदमी आया, आपका बपतिस्मा कैसा हुआ? बोले यीशु के नाम से। वो बोलते हैं यीशु का नाम ओरिजिनल नाम नहीं है, आपको याशुवे का नाम से बपतिस्मा लेना पड़ेगा, याशुवे, क्योंकि ये ओरिजिनल हिब्रू नाम है यीशु का। तो हमने क्या किया, या को छोड़ दिया, शुआ लिया, यीशुआ, या छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमारी भाषा में या नहीं आता, हम लोग हिंदी भाषा बोल रहे, तो हमने वो छोड़ दिए, जो हमारी भाषा में आता है वो ले लिया हम लोग। अभी आप देखेंगे तो हमारा देश का नाम क्या बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान में हिंद जो आता है ये हमारी भाषा नहीं है, ये आर्यन लोग की भाषा है, जो आर्य समाज आए थे उनकी ये भाषा है। तो ये हिंद सिंध नदी में पड़ी, कहां पड़ी, तो वो सिंध नहीं बोल सकते थे, वो हिंद बोलते थे, क्योंकि उनकी भाषा में सी नहीं है। अगर आपको सिंपल बात बताता हूं, कोई भी यूपी वाले से मिलो उसको वंदना बोलो, वो वंदना बोलेगा, वो बोलने को नहीं आता, उसको वो को ब बोलेगा। अच्छा बंगाली को मिलो उसको 25 बोलो, वो 25 बोलेगा, उसको पी नहीं आता, पो आता। आपकी बात समझ में आ रही है? सो कितना खुदा का शुक्र है कि हमारी भाषा में हमको सुसमाचार मिला। फिर मैं काहे को हिब्रू सीखू जाके, जब खुदावन खुद मेरी भाषा में आकर मुझसे बात कर रहा है तो मेरे को क्यों इजराइल जाना है। लेकिन आज बहुत बड़ी परेशानी है, तुमको मालूम नहीं है ओरिजिनल नाम क्या है, ओरिजिनल ये नहीं बोलते, ओरिजिनल ऐसा बोलते। अब इंग्लिश में इसका थोड़ा थोड़ा तड़जोड़ हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि सभी भाषा के अंदर आपको दाऊद मिलेगा, सब भाषा में, तमिल में भी दाऊद मिलेगा, हिंदू में दाऊद, लेकिन इंग्लिश में खाली आपको डेविड मिलेगा। उसी तरीके से यीशु आपको सब भाषा में मिलेगा, लेकिन जब आप इंग्लिश में आ जाओगे तो आपको जीसस मिलेगा। आप तमिल में जाओ यीशु, गुजरात में जाओ यीशु, पूरे इंडिया में किधर भी जाओ, अफ्रीका में किधर भी जाओ यीशु, लेकिन अमेरिका में जाओ जीसस। तो फिर इसका वजह यह है, ये जीसस को जे शब्द उच्चार में नहीं है, वो है आयोसिस, उसमें आई शब्द उच्चार में है। इंग्लिश वाला आई शब्द से बोलने को नहीं आया, उसने जे डाल दिया। सो जीसस जो शब्द है इओसिस से आता है, लेकिन हमारे लिए जीसस भी, इओसिस भी, याशुए भी, एक और ग्रुप है वो याशुए नहीं बोलने का, यहोशुआ बोलने का, वो अलग सर फोड़ रहा है किधर पर, वो इब्रू क्लास चला रहा है, यहोशुआ बोलने का। आप पढ़िए प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, और आप उसका 5 वचन से पढ़िए। आकाश के नीचे ही नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहा है। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे। अभी क्या हुआ यहाँ पर कि यरूशलेम के अंदर पर्व मनाया जा रहा है, और नियम के अनुसार हर एक यहूदी
जिस भी मुल्क में हो वो पर्व में जेरूशलेम में आना है। सो मान लो भारत में से जो यहूदी जेरूशलेम गए थे वो हिंदी जानते थे, जो यहूदी अरब से जेरूशलेम में पर्व मनाने गया था वो अरबी जानता था, जो मिस्र देश में से यहूदी गया था जेरूशलेम में पर्व मनाने वो मिस्री भाषा जानता था। आई समझ में आपके बात? अब प्रभु ने क्या किया, 120 लोग ऊपर थे, पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर के आ गया और ये सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, भिन्न भिन्न भाषा में बातें करने लगे। अभी ये आपस में इनको नहीं मालूम है कि मेरा पड़ोसी कौन सी भाषा बोल रहा है, ये कौन सी भाषा बोल रहा है, तो उनके लिए वो अन्य भाषा था। वो ये कुछ बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बोले अन्य भाषा है, अन्य भाषा है, अन्य भाषा है। लेकिन ये जो लोग आए थे ये क्या बोल रहे थे? अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। तो कितने लोग उधर आए थे आप पढ़ेंगे, सभी देश का नाम लिखा हुआ है वहां पर, 8 वचन से पढ़िए, 7 से पढ़िए। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? सब गलीली है। ये जो बोल रहे हैं जेरूशलेम में रहने वाले, ये सब के सब गलीली है। फिर तो फिर क्यों हम में से हर एक फिर अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अजी ये मेरी भाषा में क्यों बोल रहा है, ये मेरी भाषा में क्यों बोल रहा है, ये मेरी भाषा में क्यों बोल रहा है? इन्होंने चर्चा किया, ये तो गलीली लोग हैं, ये तो हिंदी जानते नहीं, लेकिन मैं अपनी भाषा में सुन रहा हूं मैसेज, ये मेरी भाषा कैसे कर रहा है? आई बात समझ में? हालेलुया। ये भाषा को आज लोगों ने गलत समझ लिया और रबा 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 में चला गया। एक्चुअली इधर रबा रबा हुआ ही नहीं था, सही बात है, रबा भी नहीं हुआ था, बरा भी नहीं हुआ था इधर। इधर जो हुआ था वो एक्चुअल लैंग्वेज हुआ था। अब इसको अन्य भाषा कैसे बोले? ये जो आपस में बात कर रहे थे, आप कौन सी भाषा में? अभी सोचो एक पीटर है वो हिंदी में बोल रहा है और दूसरा थोमा है वो मराठी में बोल रहा है, तीसरा योहन्ना है वो अरबी में बोल रहा है, तो ये पूरा 12 लोगों को किसका भी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तू कौन सी भाषा में बात कर रहा है? तो इनके लिए ये क्या हो गया? अन्य भाषा होगी। लेकिन उधर जो लोग आए हैं वो ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है, साफ साफ संदेश दे रहा है मेरी भाषा में, तो मेरे लिए वो अपनी भाषा होगी, इनके लिए वो क्या हो गया? अन्य भाषा होगी। अब यही एक्चुअल अन्य भाषा है। जब आप दूसरी जबानी में बात करेंगे जो उसको नहीं समझता और किसी और को समझ रहा है, इसी को अन्य भाषा बोलते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, चर्चस में आ चलो हम सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, तो इधर से रबर 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 पूरा लोग हाथ उठा गया अन्य भाषा में। ऐसी बात हुई नहीं उधर, ये सरासर गलत लोगों ने समझ लिया है। समझने का यही तरीका है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इनके अंदर जो गलीली लोग है, हिंदी बात करने के लिए सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा था। तो ये 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उतर के इनकी भाषा वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से 2000 साल पहले पवित्र आत्मा खुद उतर के मेरी भाषा बात करके मेरे को सुसमाचार दिया, तो मेरे को क्यों इज़राइल जाना है अभी इब्रू सीखने? सो खुदावन जिसने भाषाओं को निर्माण किया, किधर निर्माण किया? उत्पत्ति 11वां अध्याय में बाबेल टावर में प्रभु ने गड़बड़ी की आत्मा भेज दी और एक में की भाषा समझ में नहीं आई, वहीं से भाषाओं का शुरुआत हुआ। तो वही खुदा उन्हीं लोगों को दोबारा मिलने के लिए
उन्हीं की भाषा से बात कर रहा है। अभी आदम कौन सा भाषा बोलता था? पक्का वो हिब्रू बोलता था, डाउट ही नहीं, क्योंकि इब्रानी का खुदा वो हिब्रू ही बोलेगा। सो ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू है, लेकिन जब भटक गए ये लोग तो भिन्न भिन्न भाषाओं के अंदर भटक गए और हम लोग अलग अलग प्रांतों में आ गए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब ही ये लोग आकर पिलातुस को बोला ये पट्टी निकाल दे, वो बोला जो लिख दिया है वो लिख दिया है। अच्छा, पिलातुस ने इसलिए तीन भाषा में लिखा, तीन भाषा के जानने वाले लोग उस समय में रहवासी थे और सबको समझ में आना चाहिए क्रूस में लटकाया ये कौन है, यहूदियों का राजा है। बोलो हालेलुया। यही बात इब्रानी में पौल हमें बता रहा है, कितना बढ़िया तरीके से बता रहा है, वो राजा तेरा सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे।